हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर कुछ इस तरीके की हिंदी कहानियाँ को दूसरे के चैनल से लेकर अपने चैनल पर अपलोड करती हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर इस तरीके की हिंदी कहानियाँ कार्टून वीडियो को फ्रेंड्स अपने चैनल पर अपलोड करते हो फ्रेंड्स, या तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स आ जाता है या फिर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है और फ्रेंड्स आपका वीडियो डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको लेकर परेशान हो कि मैं दूसरे के चैनल से वीडियो को लेकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ इस तरीके की हिंदी कहानियाँ को, लेकिन मेरी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स आ जाता है। मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, मैं दूसरे के चैनल से वीडियो को लूँ और मेरे चैनल पर अपलोड करूँ लेकिन हमारे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना आए और ना ही मेरे चैनल पर स्ट्राइक आए। दोस्तों आप इसको लेकर परेशान हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप यहाँ पर कुछ इस तरीके की हिंदी कहानियाँ को आप दूसरे के चैनल से लेकर फ्रेंड्स अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दूसरे के चैनल से इस तरीके की हिंदी कहानियाँ को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है फ्रेंड्स, यानी कि आपको दूसरे के चैनल से डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ अपने दिमाग से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरीके की हिंदी कहानियाँ को अपलोड करना होगा। यानी कि दोस्तों आपको इसमें आपको कुछ अपने तरीके मतलब अपने तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एडिट करना होगा। तो दोस्तों आपको किस तरीके से फ्रेंड्स आपको इस तरीके की हिंदी कहानियाँ को फ्रेंड्स आपको दूसरे के चैनल से लेकर अपने चैनल पर यहाँ पर आपको एडिट करके अपलोड करना है फ्रेंड्स, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ और दोस्तों आपको मैं अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दूसरे के चैनल से यहाँ पर इस तरीके की हिंदी कहानियाँ कार्टून वीडियो को लेकर फ्रेंड्स आपको एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। तो दोस्तों इसको सिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे अपने काई मास्टर एप्लीकेशन में और फ्रेंड्स वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि किस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरीके की हिंदी कहानियाँ को फ्रेंड्स आपको एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है, ताकि दोस्तों आपके किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना आए और फ्रेंड्स आपका वीडियो भी डिलीट ना हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने काई मास्टर एप्लीकेशन में। दोस्तों आप भी मतलब इस तरीके की यहाँ पर हिंदी कहानियों को फ्रेंड्स आप सबसे पहले अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद चलिए मैं आपको काई मास्टर अच्छे से बताता हूँ कि किस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। तो चलिए चलते हैं सीधे काइन मास्टर एप्लीकेशन में। दोस्तों हिंदी कहानियां को डाउनलोड करने के बाद से आपको अपने फोन में कुछ इस तरीके से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप यहां पर काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहां पर प्लस का सिंबल दिखाई देगा, आपको यहां पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आपका एक्सपेक्ट रेशियो यहां पर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहां पर यूट्यूब वाले रेशियो को यहां पर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको यहां पर 16:9 को आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और आपको यहां पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर काइन मास्टर में कुछ इस तरीके से इसका मीडिया ब्राउजर यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर उस हिंदी कहानियाँ को लेना है जिसको कि दोस्तों अभी हमने डाउनलोड किया है और फ्रेंड्स उसको एडिट करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर काइन मास्टर में फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी कहानियाँ है। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपके काइन मास्टर से यहाँ पर आपको उस हिंदी कहानी को फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम लाइन में यहाँ पर इसको टाइम लाइन में ले लेना है और यहाँ पर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हिंदी कहानी यहाँ पर काइन मास्टर में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में आ गया हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि इसके यहाँ पर जो स्टार्टिंग फ्रेंड्स यहाँ पर इसका इंट्रो आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका डिस्क्लेमर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स अगर आपके भी मतलब यहाँ पर हिंदी कहानियाँ में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का डिस्क्लेमर आता है फ्रेंड्स, आप किसी भी हिंदी कहानियाँ को लेते हो या फिर इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर अभी इस वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पर आउट्रो नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर इसके लास्ट वाले पार्ट में भी कोई आउट्रो है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि इस वीडियो में यहाँ पर इंट्रो है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके डिस्क्लेमर को यहाँ से हटा लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्लेमर यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, जहाँ से हिंदी कहानी स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स आपको वहाँ तक लाना है। इसको यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको इसको टाइम लाइन में लाना है और फिर यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो फिर आपको यहाँ तक लाने के बाद से आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कैंची का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पर कैंची पर क्लिक करना है और आपको इसको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसको आपको यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर इसका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्लेमर का पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर अच्छे से इसको रिमूव कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि अब सही है। दोस्तों तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इनके डिस्क्लेमर वाले पार्ट को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर को बनाना है, यानी कि दोस्तों आपको पिक्सल लेम में फ्रेंड्स आपको एक डिस्क्लेमर को बनाना है। फ्रेंड्स आप पिक्सल लेम में इसको आसानी से बना सकते हो या फिर अगर आपको पता नहीं कि डिस्क्लेमर को कैसे बनाया जाता है
है तो दोस्तों आप YouTube पर जाकर फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारी वीडियोज मिल जाएंगे, फ्रेंड्स आप वहाँ पर सीख सकते हो। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पिक्सल में डिस्क्लेमर को आपको अपने तरीके से बना लेना है, और उसको बनाने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर हर वीडियो की यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वाले पार्ट में यानी कि इंट्रो में फ्रेंड्स आपको उस डिस्क्लेमर को आपको यहाँ पर लगा लेना है, ताकि दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना आए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने मीडिया ब्राउजर में यहाँ पर मीडिया में जाता हूँ, और यहाँ पर मीडिया में जाने के बाद से दोस्तों मैं यहाँ पर पिक्सल में उस यहाँ पर डिस्क्लेमर को बनाया हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से जहाँ पर भी आपका यहाँ पर काइन मास्टर में डिस्क्लेमर होगा फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर डिस्क्लेमर में यहाँ पर पिक्सल में बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पर इसको ले लिया। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने डिस्क्लेमर को फ्रेंड्स आपको पिक्सल में बना लेना है, और इसको बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लगाना है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी के वीडियो को आप डाउनलोड करके फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से एडिट करके फ्रेंड्स अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो दोस्तों आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इस तरीके के डिस्क्लेमर को जरूर से लगाना है, नहीं तो दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स आ सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर लगा लेना है, और फ्रेंड्स उनके डिस्क्लेमर को आपको यहाँ से हटा देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस डिस्क्लेमर को आपको यहाँ पर बड़ा होगा, तो आपको यहाँ पर इसको छोटा कर देना है, इसके ड्यूरेशन को आपको यहाँ पर इसको छोटा कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करके यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा वीडियो, देख सकते हो यहाँ पर ये डिस्क्लेमर आएगा, और उसके बाद से हमारा एक हिंदी कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको भी यहाँ पर अपने तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अच्छे से एडिट करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर एडिट करना है। और दोस्तों देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका यहाँ पर डिस्क्लेमर आएगा, और इसके बाद से ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट होने के बाद से यहाँ पर देख सकते हो कि अभी इस वीडियो में यहाँ पर उस चैनल का यहाँ पर वाटरमार्क लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पर उस चैनल का यहाँ पर मस्ती का यहाँ पर देख सकते हो कि वो वाटरमार्क आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर उस चैनल के यहाँ पर वाटरमार्क को आपको यहाँ से उसको छुपाना है, नहीं तो दोस्तों उस चैनल को पता चल जाएगा उस चैनल वाले को, और फिर वो चैनल वाला आपको कॉपीराइट दे सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको उनके यहाँ पर चैनल के यहाँ पर जो वाटरमार्क है फिर इसको भी आपको यहाँ पर छुपा देना है। दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आप यहाँ तो या तो फिर आप यहाँ पर चाहे तो अपने चैनल के नाम को यहाँ पर आप लिख कर फिर आप यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर अगर आपके चैनल का कोई लोगो है तो दोस्तों उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आप यहाँ पर चाहे तो अपने चैनल के नाम को भी आप यहाँ पर लिख कर लगा सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा फिर आपको अपने चैनल के लोगों को आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लेयर में जाता हूँ, और मैं यहाँ पर अपने चैनल के लोगों को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर अपने चैनल के लोगों को ही लगा लेना है, सबसे बेस्ट रहेगा, और या फिर आप चाहे तो अपने चैनल के नाम को भी आप वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख कर फिर आप वहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आपको लोगों को आपको यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको क्रॉपिंग कर लेता हूँ गोल वाले शेप में, तो मैं इसको यहाँ पर गोल वाले शेप में कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से अपने चैनल के लोगों को यहाँ पर कर लेना है, और मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको अपने तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे से लगा लेना है फिर आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर इनके वाटरमार्क को आपको यहाँ पर छुपा देना है। दोस्तों देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, आपको इसको यहाँ पर अच्छे से छुपा देना है, और इसको आपको खींच कर पूरे वीडियो में इसको कवर कर देना है। इसको पूरे वीडियो के जितना भी वीडियो का लेंथ है फ्रेंड्स, इसको पूरे वीडियो में इसको खींच कर पूरे वीडियो के एंड तक इसको कर लेना है, ताकि दोस्तों उस चैनल के यहाँ पर वाटरमार्क है फ्रेंड्स वो यहाँ पर छुप जाए और वो यहाँ पर ना दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर उस चैनल का वाटरमार्क नहीं दिखना चाहिए, नहीं दोस्तों आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स आ सकता है, या फिर आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इनके वीडियो को आपको यहाँ पर एडिट कर लेना है, और एडिट करने के बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर इनके वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आप चाहे तो कोई यहाँ पर आप आउटरो भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर आपको आउटरो भी लगा लेना है, या फिर आप यहाँ पर कुछ भी और यहाँ इसमें आप और भी क्रिएटिविटी आप यहाँ पर करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी आप इस वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पर आप लगा सकते हो। और इसको यहाँ पर करने के बाद से फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक को भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको एक नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, और फिर यहाँ पर आपको ऑडियो में जाना है, और यहाँ से आपको अपने उस बैकग्राउंड म्यूजिक को फिर आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पर ले लिया हूँ। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको यहाँ पर नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, और यहाँ पर आपको उसको इस वीडियो में लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर इसके वॉल्यूम को यहाँ पर कम कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर वीडियो के यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से फ्रेंड्स आपको इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इसको आपको यहाँ पर 15 पर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को भी यहाँ पर लगा देता हूँ।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर एडिट करके फ्रेंड्स अपने चैनल पर अपलोड करेंगे इस तरीके की वीडियो को दोस्तों, आपके चैनल पर ना ही कभी स्ट्राइक आएगा और ना ही आपका वीडियो कभी डिलीट होगा और ना ही आपके वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम्स आएगा। और दोस्तों इस तरीके के दोस्तों आप दूसरे के चैनल से हिंदी कहानियाँ को लेकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से एडिट करके अपलोड करेंगे तो दोस्तों मेरा 100% गारंटी है कि फ्रेंड्स आपके वीडियो पर ना ही कभी कॉपीराइट क्लेम्स आएगा और ना ही आपका चैनल कभी डिलीट होगा या फिर स्ट्राइक आएगा और फ्रेंड्स आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है, यानी कि मतलब लगभग आपका जो चैनल है फ्रेंड्स वो मोनेटाइज हो ही जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर एडिट करके फ्रेंड्स आपको इन तरीके की वीडियो को आपको अपलोड करना है। दोस्तों इसको यहाँ पर एडिट करने के बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर इसके रेजोल्यूशन को इसको फुल HD 1080p पर इसको रखना है और यहाँ पर इसके फ्रेम रेट को यहाँ पर 13 पर इसको यहाँ पर इसको 30 पर रख देना है और यहाँ पर इसके बिट रेट को आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको यहाँ पर 10 Mbps पर रख लेना है और इसको यहाँ पर करने के बाद से आपको इसको सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है और इसको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। और दोस्तों इस तरीके से सेव करने के बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही सेव हो जाता है तो दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है और इसको आपको अपने चैनल पर अपलोड कर देना है। और दोस्तों इस तरीके से फ्रेंड्स आप वीडियो को एडिट करके फ्रेंड्स दूसरे के चैनल से लेकर एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो दोस्तों आपकी वीडियो पर मेरा 100% गारंटी है कि आपके किसी वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम्स या फिर आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से अब आपको पता चल चुका होगा कि फ्रेंड्स आपको किस तरीके से फ्रेंड्स आपको दूसरे के चैनल से हिंदी कहानियां को लेकर फ्रेंड्स आपको एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर से कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।